विषयों में सुख है कि नहीं? सुख है तभी तो हम विषयों को भोगते हैं। खाने में भी सुख है, सुनने में भी सुख है, स्पर्श करने में भी सुख है, हर वस्तु में तो सुख है, तभी तो हम विषय भोगते हैं। नहीं तो फिर हमको भोगने की क्या आवश्यकता पड़ी? सुख के कारण तो भोगा जाता है, लेकिन वो सुख को अनित्य कहा गया। ये बात नहीं कि उसमें सुख नहीं है, सुख है, लेकिन हम जो शास्त्र और गुरुजन जिस बात को समझाना चाह रहे हैं, बेटा वो सुख कैसा है? थोड़ी देर का है, वो नित्य नहीं है, वो सुख अनित्य है। खाने में अच्छा, बड़ी तेज भूख लगी हो, बड़े अच्छा भोजन हो, रबड़ी, मालपुआ, जलेबी, कचौड़ी, समोसा, टिक्की, कचौड़ी सब पड़ा है, आहा श्रीखंड पड़ी है, और उसको खाने में सुख आ रहा है, लेकिन ये तो हम अनुभव कर सकते हैं, कितनी देर का सुख है वो? विचार करके देख लो, जब तक हम वो मुख में डाल रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, और वही जलेबी खाते 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 वही जलेबी फिर फीकी लगने लग जाती है। लेकिन जिस भक्ति की कृपा से वो अनित्य विषय सुखों से सहज ही छुटकारा पाया जा सकता है, उन विषय सुख से जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा, भक्ति में उन्नति नहीं होगी, और भक्ति में उन्नति करने के लिए हमको उसी भक्ति का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वही भक्ति हमको इस बात को प्रतीति करा देगी कि ये विषय सुख अनित्य है। वो भक्ति से ही प्रतीति होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, और सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में बात करें, जब उन्नत रस का स्वाद लगेगा तो निम्न रस अपने आप ही फीका हो जाएगा। एक बार शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी बात बतलाई, कहते हैं एक लकीर खींची, एक लाइन खींची, अब कंडीशन ये है कि इस पेन से ही बिना काटा मारे, बिना उसको क्रॉस किए, इस लाइन को हम छोटा कैसे बना सकते हैं? इस एक लाइन को छोटा तभी हो सकता है जब उसको पेन से थोड़ा सा बीच में क्रॉस कर दें, तो वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो लाइन छोटी हो जाएगी, एक इतना सा पोर्शन होगा, एक इतना सा होगा, एक इतना सा, छोटा हो गया ना। लेकिन पहली कंडीशन बता दी कि क्रॉस नहीं करना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया मामला, इतनी कंडीशन भी लगा दी और इस लाइन को छोटा भी करना है। तो शिला महाराज जी बताते हैं, सीधी सीधी बात है, इसके पैरेलल में एक लंबी लाइन खींच दो, है ना, इसके साथ एक लंबी लाइन खींच दो, तो वो जो पहली खींची हुई लाइन क्या हो जाएगी? अपने आप छोटी हो गई। इतना सीधा सा फॉर्मूला है जो हम लोगों की बुद्धि में नहीं आ रहा, इतना सीधा सा फॉर्मूला कि कैसे उस विषय सुख को जो टेम्पररी है, अनित्य है, उसको छोटा कैसे बनाया जाए, उसके पैरेलल एक लंबी लाइन खींच दी जाए, रसो वर्जम रसम श्रेष्ठम, मतलब उसके आगे यदि भक्ति की लाइन खींच दी जाए तो विषय सुख अपने आप ही फीके और घृंद लगने लग जाते हैं, अपने आप ही स्वतः ही स्पॉन्टेनियसली। तो गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं, जब श्रेष्ठ रस का आस्वादन लग जाएगा जीव पर, तो छोटा रस अपने आप हट जाएगा। एक बच्चा 2 महीने से उसकी माँ उसको रोज उबली हुई खिचड़ी खिला रही है, बॉइल्ड खिचड़ी, और 2 महीने के बाद उसके सामने कचौड़ी, सूजी का हलवा, मूंग दाल का हलवा, आलू की सब्जी, चकाचक मसाले डालकर और पूड़ी, ये सब भटूरा रख दिया, छोले रख दिए, अब एक तरफ ये रख दिया, एक तरफ खिचड़ी रख दी, बताओ फंस गया बेचारा, कहाँ दृष्टि जाएगी, कहाँ स्वाद जाएगा और कहाँ हाथ जाएगा? खिचड़ी वाले पात्र में हाथ जाएगा? अब इसमें जाएगा, और जैसे ही वो भटूरा, छोले, आलू की सब्जी, कचौड़ी, हलवा, जलेबी, इमरती, आज तो द्वादशी है, कह सकते हैं मुंह में पानी भी आ जाए तो कोई चिंता नहीं, तो जैसे ही वो टेस्ट लग गया उस बच्चे को, अगले दिन माँ पूछे कि बेटा खिचड़ी बनाओ, नहीं नहीं वो बनाओ ना कचौड़ी आलू, फिर अगले दिन पूछेगी खिचड़ी बनाओ, अब कौन खिचड़ी खाएगा? जहां पर बड़ा रस लग गया, हलवा पूड़ी का रस लग गया, कहां वो खिचड़ी खाना पसंद करेगा? तो लाइन अपने आप छोटी हो गई ना, कोई डांटना नहीं पड़ा, कोई समझाना नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं कहना पड़ा, अपने आप खिचड़ी वाली लाइन छोटी हो गई जब उसके आगे एक बड़ी लाइन को खींच दिया गया। जब बड़ा रस का स्वाद आ गया, छोटा दूसरा अपने आप ही छोटा हो गया बिना उसको कुछ छेड़े खान करे। इसलिए जहां पर जिसको भक्ति का थोड़ा सा सुख अनुभव हो जाता है, तो उसको विशेष सुख अपने आप ही फीके लगने लग जाते हैं, अपने आप ही। मन करता है मैं हरि नाम करूं, मन करता है मैं अच्छे से एकादशी करूं, मन करता है मैं परिक्रमा में जाऊं, मन करता है मैं हरि कथा सुनूं, और जिसको कथा में रस लग जाता है ना, वो तो हाथ में एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाता है।
कोई पॉइंट छूट ना चले। ये कथा का रस है, इसलिए श्री कृष्ण गीता जी में कह दिए रसो वर्जम। जब श्रेष्ठ रस का स्वादन हो गया तो छोटा रस की लाइन अपने आप छोटी हो गई। एक बड़ा लाइन खींच दो तो वो पहली वाली लाइन अपने आप छोटी हो गई। बस सीधा सीधा फॉर्मूला है।